Asalamoalykum, friends and colleagues. Welcome back to my channel, which is all about business and dentistry. I'm your host, Dr. Suhail Shabbir Rehman. And today we will continue to discuss our previous topic, dealing with common patient problems. Last time, मैंने बात की थी patient classifications के बारे में. Net पे बहुत सारी classifications available हैं, जो आपके लिए easy हो, आप वाली classification use करें. उसके अलावा और मज़ीद मैंने कुछ recommendations दी थी. आज मैं स्पेसिफिकली आपके साथ डिस्कस करूंगा वो केसेस जहां पे पेशेंट आपसे डिस्काउंट की रिक्वेस्ट करते हैं. आपके पास दो तरह के पेशेंट आएंगे जो डिस्काउंट मांगेंगे, एक वो जो नॉन डिजर्विंग है और एक वो जो डिजर्विंग है. नॉन डिजर्विंग वाले अगर आपको पता है कि ये डिजर्व नहीं करते, तो मेरा रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप उनको ज़्यादा डिस्काउंट ना दें. अगर देना है तो थोड़ा सा डिस्काउंट दें, थोड़ा सा नखरे दिखा के डिस्काउंट दें, थोड़ा सा फस करके डिस्काउंट दें, ताकि पेशेंट आपसे बार बार डिस्काउंट के का मुतालबा ना करें. मैं अपने तमाम उन व्यूवर्स से बहुत ज़्यादा माजरा चाहूँगा कि जो मेरी ये बात सुन के ऑफेंड होंगे, लेकिन मेरा मकसद आपकी दिलाजारी करना नहीं है. सिर्फ आप लोगों को फैक्ट्स बताना मकसद है कि ताकि आप अपने प्रैक्टिस में इन फैक्ट्स का फ़ायदा उठा सकें, इन एक्सपीरियंसेस का फ़ायदा उठा सकें. मसला ये होता है कि जब आप पेशेंट को ज़रूरत से ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं, तो पेशेंट के जहन में दो परसेप्शन पैदा होते हैं. नंबर एक कि पेशेंट ये समझने लगता है कि डॉक्टर का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, और नंबर दो उसकी नज़र में ये होता है कि ये इतना सस्ता ट्रीटमेंट है तो इसका मतलब ये है कि लो क्वालिटी का ट्रीटमेंट. ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं, हम उसे उसकी क्वालिटी को प्राइस से परखते हैं, क्योंकि क्वालिटी हमें सिर्फ देखने से नज़र नहीं आती. आप किसी चीज़ को बहुत खूबसूरत तो बना सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है वो तो इस्तेमाल करने पे ही पता चलेगी. तो हम एक अल्टरनेटिव रास्ता इख्तियार करते हैं, हम उसकी प्राइस से जज करने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है. जितनी सस्ती चीज़ उतनी लो क्वालिटी, और जितनी महंगी चीज़ उतनी हाई क्वालिटी. ये कॉमन परसेप्शन है लोगों के दिमाग में. ये बात जबकि सही नहीं है, सच नहीं है. मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे शॉप्स जानता हूँ जहाँ पे सस्ता सामान मिलता है लेकिन बेहतरीन क्वालिटी का सामान मिलता है. लेकिन ये एक आम परसेप्शन है कि प्राइस के साथ क्वालिटी को इक्वेट किया जाता है. अब ऐसे पेशेंट आ जाते हैं कि जो वाकई डिज़र्विंग है और आपसे डिस्काउंट की रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो मैं आपको उन पेशेंट्स के मामले में तीन रिकमेंडेशन दूंगा. पहली चीज़ ये कि जब आप ऐसे पेशेंट्स का काम शुरू करें, या काम शुरू करने से पहले जब कॉस्ट के प्राइस के ऊपर बात कर रहे हो पेशेंट से, तो नंबर एक बहुत ज़्यादा डिस्काउंट ना दें. वही बात जो पहले मैंने आपसे बोले थे, ज़्यादा डिस्काउंट देने की सूरत में वही दो कॉन्सेप्ट पेशेंट के जहन में आएंगे कि ट्रीटमेंट लो क्वालिटी का है और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है. इसके बजाय आप पेशेंट को एक एडिशनल बेनिफिट दे सकते हैं, और वो ये कि आप पेशेंट से ये बोलें कि आप ट्रीटमेंट करवाएं, ट्रीटमेंट के दौरान जितनी पेमेंट आप कर सकें आप करिए, जब आपका ट्रीटमेंट कम्प्लीट हो जाए तो हम आपका काम नहीं रोकेंगे, आपका ट्रीटमेंट को कम्प्लीट करेंगे, आप जो बकिया पेमेंट है आप ट्रीटमेंट के बाद दे दें, थोड़ी थोड़ी करके दे दें, एक महीने में दे दें, दो महीने में दे दें. ये बात सुन के बहुत सारे लोग ये समझेंगे तो इस तरह तो पेशेंट पैसे लेके भाग जाए, लेकिन मेरे पिछले 10-12 साल के एक्सपीरियंस में मैंने खुद ये देखा है कि मेजॉरिटी पेशेंट्स पैसे लेके नहीं भागते, वो वापस आते हैं पेशेंट देने पैसे देने के लिए. कोई एक महीने बाद आया, कोई तीन महीने बाद आया, एक पेशेंट तो 3 से 4 साल बाद मेरे पास वापस आया पैसे रिटर्न करने के लिए. होता क्या है, जब आप 1-on-1 इंटरेक्शन करते हैं पेशेंट के साथ, तो पेशेंट का एक ट्रस्ट आपके ऊपर डेवलप हो जाता है, पेशेंट आप पर भरोसा करने लगता है, उसकी एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट आपके साथ हो जाती है. अब नतीजा ये होता है कि जब पेशेंट आपकी रिस्पेक्ट करने लगता है, तो और आपने साथ में उसको डिस्काउंट भी दे दिया, आपने उसकी आसानी के लिए उसका ट्रीटमेंट भी नहीं रोका और उसको एक लंबा पीरियड दे दिया कि जब वो आपको पैसे रिटर्न कर सके तो वो कर दे, तो उसकी वजह से इंसान की साइकोलॉजी में, इंसान के जहन में एक सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन पैदा होता है. वो सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन एक इंसान को मजबूर करता है कि वो जो भी उसके ऊपर एक कर्ज़ा है वो उस कर्ज़े को किसी तरह उतारे और पूरा उतारे और ईमानदारी से उतारे, यानी उसका ज़मीर उसको मजबूर कर देता है वो कर्ज़ा उतारने.
पेशेंट की रिस्पेक्ट जीतेंगे तो आपको इजीली पेशेंट वो पैसे वापस भी कर देगा, और ना सिर्फ वापस करेगा बल्कि वो आप जब रिस्पेक्ट करने लगेगा तो वो और पेशेंट्स को भी आपके पास रेफर करेगा। इस पॉइंट के लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि ये तरीका कहाँ कहाँ काम नहीं करेगा। नंबर एक, ऐसे डेंटिस्ट जो पेशेंट के फिजिकल यानी बॉडी लैंग्वेज या वर्बल लैंग्वेज के क्यूज के जरिए पेशेंट के मिजाज के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा पाते, मेरा मशवरा ये है कि ऐसे डेंटिस्ट इस तरीके को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कई बार पेशेंट डिस्काउंट मांग रहा होता है लेकिन वो डिज़र्विंग नहीं होता। और इसकी एक बहुत आसान पहचान ये होती है कि पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज और वर्बल लैंग्वेज में एक रिदम नहीं रहती। जैसे ही वो रिदम ब्रेक होती है तो एक शक जाना शुरू हो जाता है कि कोई ना कोई मसला है, पेशेंट शायद सच नहीं बोल रहा या शायद मुकम्मल बात नहीं बता रहा। तो नंबर एक, ऐसे डेंटिस्ट जो पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज से उनके मिजाज का अंदाज़ा ना लगा सके वो इस तरीके के इस्तेमाल ना करें। नंबर दो, इस तरीके को इदारों के अंदर इस्तेमाल ना करें। यानी जब आप क्लिनिक पे होते हैं तो पेशेंट वन ऑन वन आपसे कॉन्टैक्ट में होता है, तो उसकी एक इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ पैदा हो जाती है। उस इमोशनल अटैचमेंट की वजह से एक सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन उसके अंदर पैदा होता है, जबकि एक इदारे में, एक इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट डेंटल कॉलेज जाता है, वहाँ पे एक डेंटिस्ट या एक डॉक्टर उसको एक कुछ डिस्काउंट देता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप बाद में किसी और डेट पे डिस्काउंट पे कर दीजिएगा, तो अक्सर अवकात पेशेंट पे नहीं करते। वजह क्या है कि वहाँ पेशेंट के जहन में परसेप्शन ये होता है कि मैं डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ, मैं एक इदारे के पास गया, और वहाँ किसी किस्म का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता, किसी किस्म की इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो पेशेंट अपने आप को इतना ओबलाइज महसूस नहीं करता। और पेशेंट पैसे दे भी देते हैं लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वहाँ पे पेमेंट्स को मिस कर जाते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि बड़े इदारों के बारे में एक आम, एक कॉमन पब्लिक में परसेप्शन पाया जाता है कि जितना बड़ा इदारा होगा उतने बड़े बड़े धोखे दे के, उतने बड़े बड़े नुकसान करके वो इतना बड़ा बना है। यही परसेप्शन हमारा अमीर लोगों के बारे में भी है कि अगर कोई शख्स अमीर है तो इसका मतलब है उसने किसी न किसी के साथ धोखा किया है, किसी न किसी का नुकसान किया है, जब भी वो इतना अमीर हो। तो बिल्कुल यही परसेप्शन एक आम पेशेंट का एक इदारे के बारे में हो। तो नंबर दो, इदारों के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ये तरीका इस्तेमाल ना करें। नंबर तीन, ये उन पेशेंट्स पे भी आप ट्राई ना करें कि जो ऑलरेडी पेशेंट्स पेमेंट के मामले में प्रॉब्लमेटिक है, जो पहले ऑलरेडी आपको पेमेंट्स के मामले में तंग कर चुके हैं, वहाँ भी इस्तेमाल ना करें। या ऐसे पेशेंट्स कि जो ऑलरेडी आपको कुछ ओ करते हैं, यानी कि उनकी तरफ कुछ पैसे बनते हैं जो उन्होंने पिछली ट्रीटमेंट के पैसे भी क्लियर नहीं किए, पेमेंट नहीं की, और वो नया ट्रीटमेंट आपसे मांग रहे हैं। इसके अलावा यानी पेशेंट को के लिए आसानी देना, एक एक्सटेंडेड पीरियड की आसानी देना कि वो आपके ट्रीटमेंट को के प्राइस आपको अदा कर सके। इसके अलावा आप पेशेंट को जब भी कोई डिस्काउंट दें, मिसाल के तौर पे आपको पेशेंट आपके पास ऐसा पेशेंट आया कि जो बहुत ही नॉन अफोर्डिंग है और उसको एक बड़ा डिस्काउंट देना ज़रूरी है। एक डेंटिस्ट भी आकर एक इंसान है, वो भी यही सोचता है कभी कभी कि पैसे तो हम कमाते रहेंगे, एक मरीज का काम अल्लाह की खुशी के लिए कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट को जब आप डिस्काउंट दें तो कभी भी पेशेंट को ये ना बोलें कि आप ये जाके दूसरे किसी को मत बताइए। ये मेरे एक्सपीरियंस में बात आई है कि मैंने जिस जिस पेशेंट को ये बात बोली उसने लाजमन जाके दूसरों को ये बात बताई। अब नतीजा क्या हुआ, पेशेंट ने तो इस नीयत से बताई कि वहाँ डिस्काउंट मिलता है, अच्छा ट्रीटमेंट होता है। अब जो दूसरा पेशेंट मेरे पास आया वो भी उसी किस्म के डिस्काउंट की एक्सपेक्टेशन लगा के आया मेरे पास। नतीजा क्या हुआ कि जब मैंने पेशेंट को अपने ट्रीटमेंट की कॉस्ट बताई तो पेशेंट ने फौरन जवाब में मुझसे बोला, आपने फला पेशेंट को भी तो इतना ज़्यादा डिस्काउंट दिया। तो नतीजा क्या हुआ कि एक परसेप्शन दूसरे पेशेंट तक पहुंचा जो कि नहीं पहुंचना चाहिए था। पेशेंट्स आपसे वादा कर लेंगे और उसके बाद उसकी वादा खिलाफी करेंगे। वो बेशक जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, शायद भूले से कर दिया हो, लेकिन ये हकीकत है, ये होता है। इसके पीछे भी जो साइकोलॉजी इन्वॉल्व है वो ये है कि इंसान हमेशा अपने जैसे लोगों पर ट्रस्ट ज़्यादा करता है, अपने जैसे लोगों की बात मानता है, अपने जैसे लोगों की तरफ ज़्यादा जज्बाती लगाव रखता है। अगर हम
बाहर देखें तो मुल्क से बाहर जब पाकिस्तानी जाते हैं तो वहाँ पे वो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ के अंदर अपने आप को मर्ज कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों की कम्युनिटी हमारी जैसी है। तो वो कन्फॉर्मिटी के बेसिस पे, ये भी एक प्रिंसिपल है ह्यूमन साइकोलॉजी का, कि जिसमें इंसान अपने जैसे लोगों को तलाश करता है। तो नतीजा ये होता है कि पेशेंट जब आपसे वादा करके जाता है कि वो दूसरे पेशेंट को नहीं बताएगा और वो गलती से बता देता है, उसकी वजह ये होती है कि उसका ट्रस्ट एक दूसरे पेशेंट पे ज़्यादा होता है बनिस्बत एक डॉक्टर के। अब आप में से कुछ लोग शायद मेरी बात से एग्री ना करें, लेकिन ये सब कॉन्शियस लेवल पे हो रहा होता है, तो कॉन्शियसली पेशेंट इस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं करेगा। नतीजा ये होता है कि दूसरा पेशेंट भी क्योंकि तकलीफ से गुजर रहा है और वो खुद भी तकलीफ से गुजर रहा है, तो उसको वहाँ पे कन्फॉर्मिटी नज़र आती है, तो वो उसके साथ वो सीक्रेट शेयर कर लेता है जिसका आपने उसको पाबंद किया था कि ना करे। तो बजाय इसके कि आप पेशेंट को ये बोलें कि आप किसी और को जाके नहीं बताइएगा, पेशेंट से आप ये बोलें कि मैं किसी के लिए भी इतने पैसे कम नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है तो इसलिए मैं आपके लिए पेमेंट कम कर रहा हूँ, आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, लेकिन बहुत माजरत के साथ मुस्तकबिल में आपको ये डिस्काउंट शायद ना मिल सके। इससे पेशेंट को ये बात पता चल जाएगी कि डिस्काउंट स्पेसिफिकली उसको दिया जा रहा है और उस टाइम के लिए दिया जा रहा है, फ्यूचर के लिए वो कोई एक्सपेक्टेशन ना लगाए और यही एक्सपेक्टेशन दूसरों तक ना पहुंचे। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपका पेशेंट कोई डिस्काउंट मांगे और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मांगे, या आपकी मजबूरी हो जाए, आप खुद महसूस करें कि बहुत ज़्यादा पेशेंट को डिस्काउंट देना पड़ जाएगा क्योंकि पेशेंट बहुत नॉन अफोर्डिंग है, तो ऐसी सूरत में हमें ये भी देखना ज़रूरी होता है कि हम अगर हम क्लिनिक रन कर रहे हैं तो क्लिनिक के खर्चे निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। अगर वो ट्रीटमेंट ज़्यादा सस्ता आप नहीं दे सकते तो मेरा मशवरा ये है कि पेशेंट को आप डेंटल कॉलेज रेफर करें। डेंटल कॉलेजेस में मेरे इल्म के मुताबिक काफ़ी अच्छा काम भी होता है, काफ़ी मुनासिब पैसों में काम हो जाता है, तो पेशेंट को आप वहाँ रेफर करें, ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा पेशेंट के लिए। एक एडिशनल पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जो मैं पिछली वीडियो में मेरे जहन से निकल गया था, वो ये कि आपके जितने इंटरेक्शन हो, खासतौर पे वो इंटरेक्शन जो और आउट ऑफ ऑर्डिनरी हो, जो थोड़े मुख्तलिफ हो, जो कि नॉर्मली पेशेंट्स के साथ नहीं होते, जो भी डिस्कशन उस इंटरव्यू में हो, सॉरी उस इंटरेक्शन में हो, तो उसको आप रिकॉर्ड करो। अब मैं वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आप अपने, अगर डिजिटल रिकॉर्ड रखते हैं तो कंप्यूटर पर रिकॉर्ड कर लें, अगर आपका मैनुअल रिकॉर्ड है तो अपने पास मैनुअली उसे नोट डाउन कर लें। उससे फ़ायदा आपको फ्यूचर में हो। मिसाल के तौर पर 2 से 3 साल पहले मेरे पास एक पेशेंट है, एक तकरीबन 65 ईयर्स की एक खातून थी, उनके अपर लेफ्ट 6 और 7, यानी फर्स्ट मोलर अपर लेफ्ट सॉरी अपर राइट 6 और 7, यानी फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर ग्रॉस की कैरियस थे और उनकी सिर्फ रूट्स पड़ी हुई थी। मैंने चेक किया, एग्जामिनेशन की सारी चीज़ें करने के बाद मैंने उनको बताया कि आपके दोनों दांत निकलेंगे। मैंने उनको अपॉइंटमेंट दे दिया, वो उस अपॉइंटमेंट पे मेरे पास आए, मैंने दांत चेक किया, उनको बताया कि आपके दो दांत हैं और अभी मैं फ़िलहाल एक दांत निकाल रहा हूँ, और मैंने उनका दांत निकाला, उनको इंस्ट्रक्शन दे के घर भेज दिया और साथ में उनको अपॉइंटमेंट भी दे दिया ताकि वो दूसरा दांत भी निकलवा सके, लेकिन वो उस अपॉइंटमेंट पर नहीं है। तकरीबन 7 या 8 महीने बाद वो पेशेंट मेरे पास वापस आती हैं और वो मुझसे, मेरे क्लिनिक में 3 या 4 पेशेंट बैठे हुए हैं और उन सब पेशेंट्स के सामने मुझसे कहती हैं कि डॉक्टर साहब, मैं आपके पास 6 7 महीने पहले आई थी, आपने मेरा आधा दांत निकाला, आधा छोड़ दिया अंदर। अब इस बात को सुनने के बाद आपके दूसरे पेशेंट्स के जहन में क्या परसेप्शन पैदा होगा कि शायद आप ट्रीटमेंट अच्छा नहीं करते, शायद आप लो क्वालिटी का ट्रीटमेंट करते हैं, शायद आप तवज्जो से काम नहीं करते। तो मैं खुद परेशान हो गया कि ऐसे कैसे मुमकिन है, मैं कभी भी पेशेंट का दांत अधूरा नहीं छोड़ता। तो मैंने अपना फ़ौरन रिकॉर्ड चेक किया और उस रिकॉर्ड में मैंने एक नोट डाला हुआ था कि जो लास्ट टाइम मेरी पेशेंट से डिस्कशन हुई थी उसके बारे में। मैंने वो नोट पढ़ा, इत्मीनान से नोट को पढ़ने के बाद मैंने पेशेंट की तरफ मुतवज्जो हुआ और उतनी ही वॉल्यूम में, जितने वॉल्यूम में पेशेंट ने मुझसे ये दावा किया था कि मैंने उसका दांत पूरा नहीं निकाला, उतनी ही वॉल्यूम में मैंने उसको जवाब दिया ताकि दूसरे पेशेंट भी सुन लें। और मैंने पेशेंट से कहा, आप मेरे पास तकरीबन 7 महीने पहले आए थे, आपके दो दांत खराब हो रहे थे और मैंने आपको बताया था कि दोनों दांत आपके निकलेंगे, लेकिन उस वक्त मैंने आपका सिर्फ एक दांत निकाला था। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपका दूसरा दांत निकालता तो आपके मुंह में जख्म बहुत बड़ा हो जाता, उसके अंदर ब्लीडिंग ज़्यादा होती, जख्म भरने में टाइम भी ज़्यादा लगता।
तो मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी एक दांत निकाल रहा हूँ और मैंने आपको दूसरे दांत निकालने का अपॉइंटमेंट दिया था और आप उस अपॉइंटमेंट पे नहीं आए। अब जब मैंने ये बात बोली तो एकदम पेशेंट खामोश हो, लेकिन उसने फिर बाद में थोड़ी मुझसे माजरत भी की। लेकिन इससे बात सामने क्या आई, पेशेंट ने अचानक एक ऐसी बात आपके सामने बोल दी जिसमें हकीकत नहीं थी। मैं ये नहीं कहता कि पेशेंट ने जानबूझ के झूठ बोला, लेकिन एक ऐसी बात बोल दी कि जो कि आपकी रेपुटेशन के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करती। तो अपने जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन हैं उनका कोई ना कोई रिकॉर्ड ज़रूर रखें अपने पास। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, फ़ायदा हुआ है तो अपने कलीग से फ्रेंड से शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन वक्त पर मिलते रहें, और अपने कॉमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक ज़रूर दें क्या और क्या बेहतरी चाहेंगे मेरी वीडियोज़ के अंदर, और फ्यूचर में और क्या 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 टॉपिक्स डिस्कशन चाहेंगे कि मैं डिस्कस करूँ। अस्सलाम वालेकुम।